हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर ऑनलाइन साइंस क्लास फॉर फोर्थ स्टैंडर्ड। टुडे वी डिस्कस सेकेंड चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक एंड चैप्टर नेम इज एडेप्टेशंस फॉर सर्वाइवल इन प्लांट्स, यानी कि जीने के लिए पौधों में अनुकूलन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई लीव्स इन अ कैक्टस प्लांट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस? क्या कभी आपको यह आश्चर्य हुआ है कि क्यों कैक्टस प्लांट में पत्तियाँ कांटों में बदल जाती हैं, रिड्यूस्ड हो जाती हैं? व्हाई प्लांट्स ग्रोइंग इन हिली एरियाज आर टॉल एंड मोस्ट ऑफ देम हैव नीडल शेप्ड लीव? क्यों पौधे, वे पौधे जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं, वे लंबे होते हैं, उनमें से ज़्यादातर पत्तियाँ नीडल शेप्ड यानी कि सुई के आकार की होती हैं? व्हाई डू सम प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर व्हाइल अदर्स आर सबमर्ज्ड इन इट? क्यों कुछ पौधे पानी पे तैरते हैं जबकि कुछ दूसरे इसमें डूबे रहते हैं? प्लांट्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट फीचर इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन डिफरेंट प्लेसेस। पौधे अपने जीवन के लिए अलग अलग स्थानों पे जीने के लिए कुछ ऐसे फीचर्स का, अलग अलग फीचर्स को विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। द स्पेशल फीचर दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू लिव इन पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज एडेप्टेशन। और उस स्पेशल फीचर को, जो उस ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित स्थान पर जीने में सहायक होते हैं, उसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैक्टस प्लांट इज एडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट। उदाहरण के लिए, जो कैक्टस प्लांट होता है वो डेजर्ट में जीने के लिए अनुकूलित होता है। That is why its leaves are reduced to spines. क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। In this chapter, इस chapter में we will discuss, हम discuss करेंगे about different adaptation in plants, यानी कि पौधों में अनुकूलन के अलग अलग प्रकारों को क्या करेंगे, हम discuss करेंगे। पहला है हमारा हैबिटेट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, यानी कि पौधों का आवास। द रीजन वेयर अ लिविंग थिंग्स लिव टू ग्रो नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पे एक पौधा या एक ऑर्गेनिज्म वो प्राकृतिक तौर पे वृद्धि करता है, जीवित रहता है, उसे हम हैबिटेट कहते हैं। प्लांट्स डिफर ग्रेटली इन देयर हैबिटेट and can be divided into two types on this basis, terrestrial plants and aquatic plants. तो जो plants होते हैं वो अपने habitat से बहुत ज़्यादा अलग होते हैं और उन्हें हम दो प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है terrestrial यानी कि स्थलीय plant और दूसरा है aquatic plants यानी कि जलीय plants या जलीय पौधे। Plants that grow on land are known as terrestrial plants, यानी कि वे पौधे जो कि ज़मीन पे उगते हैं उन्हें हम टेरिस्टेरियल प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, जो मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री आर टेरिस्टेरियल प्लांट्स, जैसे मैंगो है ना, आम का पेड़, पीपल का पेड़, और ये सभी क्या हैं, टेरिस्टेरियल प्लांट्स हैं। प्लांट्स ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। हम देखते हैं, हाँ, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल प्लांट्स, तो वे पौधे जो कि पानी के अंदर उगते हैं उसे हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वाटर हाइसिंथ, लोटस, हाइड्रिला आर एक्वाटिक प्लांट्स। तो ये जो जलीय कुंभी है, जलकुंभी है, कमल होता है, और जो हाइड्रिला होता है इसे हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं, हाइड्रिला को काई भी कहते हैं। तो ये एक्वाटिक प्लांट्स है। अब बात करते हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स की, ठीक है। तो अ प्लांट एडेप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ इटसेल्फ हैबिटेट। तो जो एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है, वह अपने हैबिटेट के आवास की, जलवायु की दशाओं के अनुसार एडेप्ट होता है, अनुकूलित होता है। द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड सनशाइन रिसीव्ड एंड वाटर अवेलेबिलिटी आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द adaptations developed by plants, ठीक है। और इस तरह जो उस स्थान का तापमान, वर्षा की मात्रा है ना, धूप,
जो स्पर्म द्वारा प्राप्त की जाती है और वाटर यानी कि जल की उपलब्धता, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो पौधे के एडेप्टेशंस यानी कि अनुकूलन को विकसित करने में को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बात करते हैं टेरिस्टेरियल प्लांट्स की। तो टेरिस्टेरियल प्लांट्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर एडेप्टेशन टू सूट द पर्टिकुलर एरिया इन विच दे ग्रो। तो टेरिस्टेरियल प्लांट्स को आगे हम अलग अलग प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं जो उनके एडेप्टेशन और उनके किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में, किसी निश्चित क्षेत्र में उनकी सुइट यानी कि सुविधा के अनुसार होती है जहाँ पे वे वृद्धि करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन प्लेन्स, डेजर्ट फील्ड्स, मार्शी प्लेसेस एंड कोस्टल एरियाज। अलग अलग तरह के पौधे जो कि मैदानों, रेगिस्तानों, पहाड़ी क्षेत्रों, मार्शी मतलब दलदली क्षेत्रों और तटवर्ती क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं। हम देखते हैं प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन प्लेन्स, यानी कि वे पौधे जो कि मैदानों में वृद्धि करने के लिए अनुकूलित होते हैं। इन प्लेन्स यानी मैदान में, द क्लाइमेट इज़ वार्म टू हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर। मैदान में क्या होता है कि जो क्लाइमेट होती है, जलवायु होती है, वह गर्मियों में गर्म होती है जबकि ठंड में, सर्दी में ठंड होती है। द ट्री ग्रोइंग हीयर हैव मैनी ब्रांचेज, और यहाँ पौधे जो यहाँ उगते हैं उनकी कई शाखाएँ होती हैं। दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ऑटमन एंड बियर न्यू लीव्स इन स्प्रिंग्स। और ये जो पौधे होते हैं वो ऑटमन में यानी कि पतझड़ में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं, जबकि स्प्रिंग में, बसंत में नई पत्तियों को जन्म देते हैं। मैंगो, नीम, पीपल, शीशम, ये इटीसी ग्रो इन प्लेन्स। और इस तरह आम, नीम, पीपल और शीशम के पेड़ प्लेन्स में उगते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं नीम का ट्री है, नीम ट्री है, बिंगूज नॉलेज बैंक। ठीक है, ये देखते हैं क्या कहते हैं बिंगू। ट्रीज विच शेड देयर लीव्स इन ऑटमन आर नोन एज डिसिडियस ट्रीज। तो वे पौधे जो कि ऑटमन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं उसे हम डिसिडियस ट्रीज कहते हैं, यानी कि पतझड़ वाले पेड़ कहते हैं। प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट, यानी कि वे पौधे जो कि डेजर्ट में वृद्धि करने के लिए अनुकूलित होते हैं। प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट पाम एंड प्रिकली पीयर्स ग्रो इन डेजर्ट। तो प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट पाम एंड प्रिकली पीयर्स ग्रो इन डेजर्ट। तो डेजर्ट में कैक्टस, डेट पाम जिसमें खजूर कहते हैं, और जो काटेदार नाशपाती को हम कहते हैं प्रिकली पीयर्स, ये उगते हैं। एज वी नो दैट वाटर इज स्केर्स इन डेजर्ट, दिस प्लांट्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव विद लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। जैसा कि हम जानते हैं कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, और ये पौधे कम पानी में, लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। इन सच प्लांट्स, इस तरह के पौधों में, द लीव्स आर आइदर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस और आर एब्सेंट। इस तरह के पौधों में या तो पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं या होती ही नहीं हैं। द स्टेम इज ग्रीन एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर फॉर द प्लांट्स। और इस तरह जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करता है, परफॉर्म करता है, और एंड ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर फॉर द प्लांट्स, और पौधे के लिए भोजन और पानी स्टोर करता है। सच प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट सिस्टम दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड टू एब्जॉर्ब वाटर। और इस तरह के पौधों की जो रूट होती है वो बहुत लंबी होती है और वो बहुत अंदर तक जाती है, प्रवेश करती है, ताकि ग्राउंड से, ज़मीन से वह पानी एब्जॉर्ब कर सके, सोख सके। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो ऑन हिल्स, यानी कि वे पौधे जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रो करने के लिए अनुकूलित होते हैं। ट्री लाइक्स फर, पाइन एंड सेडार ग्रो इन हिली एरियाज एंड ऑन माउंटेन्स। तो पौधे जैसे कि फर हो गए, पाइन हो गए और सेडार हो गए, ये
पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतों पे उगते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट इन सच प्लेसेज इज कोल्ड एंड स्नोफॉल इज फ्रिक्वेंट, और यहाँ की जो जलवायु होती है वो ठंडी होती है और स्नोफॉल यहाँ पे होता रहता है, ठीक है, प्रायः होता रहता है। देयरफॉर अतः द ट्रीज आर टाल स्ट्रेट एंड कॉनिकल टू अलाउ स्नो टू स्लाइड डाउन ईजली, ठीक है, और इसलिए इस पेड़ लंबे होते हैं, सीधे होते हैं और कॉनिकल शेप के होते हैं ताकि इन पर पड़ने वाली जो बर्फ हो है वो आसानी से नीचे चली जाए, गिर जाए। देयर लीव्स आर वैक्सी एंड नेडल लाइक, इनकी जो पत्तियाँ होती है वो वैक्सी होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं और सुई के आकार की होती हैं, सो दैट दे लूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड शेड स्नो विदाउट डिफिकल्टी, और इसीलिए ये बहुत कम मात्रा में पानी को खोती हैं, लॉस करती हैं एंड शेड स्नो विदाउट डिफिकल्टी, और वो और बर्फ़ को बिना कठिनाई के गिरा देती हैं, ठीक है। हम देखते हैं बिंगोज नॉलेज बैंक में देखते हैं, सम ट्रीज लाइक स्प्रूस फर पाइन ईटीसी डू नॉट शेड देयर लीव्स एट ऑल ड्यूरिंग द ईयर, सच ट्री आर देयरफॉर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। कुछ पेड़ जैसे कि स्प्रूस हो गया, फर हो गया और पाइन हो गया, ये कुछ ऐसे पेड़ हैं जो कि सालों भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, ठीक है, और इस तरह के पेड़ों को हम एवरग्रीन ट्रीज यानी कि सदाबहार पेड़ कहते हैं। सो चिल्ड्रेन, दिस टॉपिक इज कम्प्लीट हियर, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉकिंग अबाउट रेस्ट टॉपिक, सो थैंक यू एंड टेक केयर।